यूं तो शिव ठाकरे अपने मॉम यानी कि अपने आई से बेहद करीब है, लेकिन इस बार मदर्स डे के दिन पे वो अपने आई के पास नहीं है, और जिस वजह से इमोशनल एक पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर किया है और क्या कहा है शिव ठाकरे ने आई नजर डालते इस पूरे वीडियो पे। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और इशू की होस्ट दित्य विश्वाल। आपको बता दूं शिव ठाकरे ने आज तक शिव ठाकरे के अंदर एक देसी वाला लड़का तो दिखा ही है, साथ ही ये भी देखने को मिला है कि वो अपनी मम्मी से कितने ज्यादा क्लोज है। जब बिग बॉस 16 में भी उनकी मॉम बिग बॉस के हाउस में आई थी तभी भी शिव ठाकरे उनकी मॉम को देख के जितने एक्साइटेड खुश नजर आ रहे थे उससे साफ झलक के आ रहा है जैसे वो 5 to 10 ईयर्स का बच्चा, उनकी बात नहीं कोई भी बच्चा हो कितना भी बड़ा हो जाए अपने मॉम को देखने के लिए उनकी आंखें तरस ही जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना 5 से 10 साल के अंदर का जो बच्चा स्कूल से आते ही मम्मी को ढूंढता है कि मम्मी किधर है, कि उनके आंखों में चमक रहता है मम्मी को देखने के बाद, शिव ठाकरे की आंखों में भी सेम चमक अपनी मॉम को देखने के बाद आता ही है। लेकिन इस बीच इस बार के मदर्स डे पे शिव ठाकरे यहाँ मौजूद नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता है कि शिव ठाकरे ऑलरेडी उड़ान भर चुके हैं मुंबई से साउथ अफ्रीका के केप टाउन के लिए, जहाँ खतरों के खिलाड़ी का शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस बीच शिव ठाकरे मदर्स डे के दिन अपने मॉम के लिए एक स्पेशल सा फोटो शेयर किए हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ शिव ठाकरे अपने ही गाड़ी के बाहर खड़े हैं और उनकी मॉम के साथ, और आप कह सकते हो कैप्शन पे लिखा है आई सुनना हैप्पी मदर्स डे। अभी ये कहते हुए बहुत तमाम इनके यूजर्स तमाम इनके फैंस ने भी इस पोस्ट पे हैप्पी मदर्स डे कह के शिव की मॉम को मदर्स डे का विशेष दिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक खास बात अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि शिव ठाकरे अपने मॉम से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, और ये शायद पहली बार होगा कि शिव ठाकरे अपने मॉम से दूर है और मदर्स डे के मौके पे उनके साथ नहीं है, जिस बात की एक पोस्ट के जरिए से आज का दिन सेलिब्रेट वो इस तरीके से करते हैं। और डेफिनेटली शिव ठाकरे के मॉम के लिए बड़ी बात वो होगा कि शिव ठाकरे अच्छे से स्टंट परफॉर्म करे और ट्रॉफी लेके घर आए, यही तो मदर्स डे के लिए बड़ा गिफ्ट हो जाएगा उनके आई के लिए अगर शिव ठाकरे ने ये करके दिखा दिया। इनके तमाम यूजर्स और फैंस भी यही चाहते हैं कि शिव ठाकरे खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में बैंग ऑन करके आए। वैसे शिव ठाकरे के बारे में आपका क्या है कहना हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल ये बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए फीफा फूज।